है गाइस, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे आप सब, उम्मीद करते हो अच्छे होंगे और बढ़िया होंगे। तो देखिए, आज हमारे पास है CB125 वाला शाइन का मॉडल। तो इसमें इंजन का जो साउंड होता है उसमें बहुत ही भाई नॉइज़ है। तो इस साउंड को कैसे ठीक करेंगे वो सब कुछ पता चलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए भाई, पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल बटन है उसको दबा के ऑल पे सेट कर ले, क्योंकि छोटे छोटे जानकारी भी बहुत महत्वपूर्ण होता है भाई। तो चले साउंड को सुन लेते हैं पहले। तो देखिए इसका जो साउंड है भाई, कितना खराब साउंड निकल रहा है इंजन से। तो ये किसका साउंड है, तो चलिए इसके लिए हमको हेड का कवर भी खोलना पड़ेगा। और आपको अगर पता होगा तो इसी वक्त, अब वीडियो अभी देख रहे हो तो इसी वक्त कमेंट में बता दो भाई। तो देखिए क्या है, हेड के जो कवर है, इस कवर को हमको निकालना पड़ेगा। दो कोने में 10 नंबर का दो बोल्ट है उसको निकल के, तो चलिए निकलते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम को। तो देखिए हम निकल चुके हैं हेड के जो कवर होते हैं उस कवर को। अभी क्या है, इसमें जो रॉकर होता है, रॉकर और वाल्व के बीच में जो गैप होता है भाई, उसको कहते हैं क्या, वाल्व क्लियरेंस कहता है। उस वाल्व क्लियरेंस को हमारे बाइक के एक बाइक के अनुसार सेट करना पड़ता है। एक एक बाइक को कंपनी एक एक नंबर में उसको रिकमेंड करता है। तो देखिए इस बाइक का कितना वाल्व क्लियरेंस है सब कुछ पता चलेगा आपको इसी वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिए, नहीं तो कुछ छोटे छोटे जानकारी भाई मिस कर जाओगे आप लोग। और छोटे छोटे जानकारी भी इंजन के काम के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ये ध्यान में रखें आप। तो देखिए इस बाइक के साथ और एक प्रॉब्लम है, इसका जो पिस्टन है वो ख़राब है। बाइक धुआँ मारती है, धुआँ देता है बाइक भाई। तो क्या है, धुआँ देने के कारण बाइक का जो इंजन ऑयल है वो ख़त्म हो गया है और उसके वजह से ही ये प्रॉब्लम आया है। तो जो भाई हमारा बाइक को चलाते हैं, टाइम से इंजन ऑयल चेंज नहीं करते हैं, तो उन भाई लोगों को मैं बता रहा हूँ दोस्तों, अब जाके टाइम से इंजन ऑयल को बदलो, नहीं तो आपको भी ऐसे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए आते हैं हमारे वीडियो के टॉपिक पर। तो वाल्व का जो क्लियरेंस है इस बाइक में रहता है इनलेट साइड 0.08 mm, और आउटलेट का जो वाल्व क्लियरेंस रहता है आउटलेट साइड पे वो रहता है 0.12 mm। तो ये क्लियरेंस कंपनी हमको रिकमेंड करती है। मगर क्या है, इस वाले बाइक में जो प्रॉब्लम आया है, रॉकर का बहुत ही ज़्यादा साउंड है, वो भी इसमें जो एग्जॉस्ट वाला वाल्व है उसका रॉकर से आ रहा है। तो इस साउंड को हम ख़त्म करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा और ये साउंड पैदा क्यों हुआ भाई, जब भी हमको ये बाइक चली ज़्यादा देर तक, हीट हुआ और इंजन ऑयल नहीं था, उसके वजह से क्या है, हमारा एग्जॉस्ट सेट का जो वाल्व है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है भाई जब बाइक चलते हैं। ये जो इनलेट से भाई 3 गुना ज़्यादा गर्म होता है वो। तो गर्म होने की वजह से रॉकर जब प्रेशर डालता है बार बार उसके ऊपर वाला हिस्से में, जिधर हमारा लॉक सेट रहता है, जिधर हमारा रॉकर प्रेस करता है, तो उस साइड में बार बार प्रेस करने की वजह से वो वाल्व हमारा क्या होता है, एक्सपेंड हो जाता है, बड़ा हो जाता है और उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। इस गड्ढे की वजह से ये वाला प्रॉब्लम आया है और रॉकर का जो वाल्व का जो क्लियरेंस होता है वो बढ़ गया है इसमें, तो इसी वजह से साउंड आ रहा है। तो उस गैप को हम कम करेंगे। कंपनी रिकमेंडेड जितना था उतना हम इस बाइक में अभी रख नहीं सकते, क्योंकि रखेंगे तो थोड़ा सा हीट होगा बाइक, तो रॉकर हमारा साउंड करना शुरू कर देगा। तो इस वजह से क्या होता है भाई, इंजन ऑयल ना होने के कारण वाल्व हमारा जाम भी हो सकता है, गाइड टूट सकता है, रास्ते पे आपको धक्के लगाना पड़ सकता है। तो इंजन ऑयल का ध्यान ज़रूर से ज़रूर आपके बाइक में रखें, क्योंकि इंजन ऑयल हमारा जो ब्लड होता है ना भाई बॉडी में, बाइक का यही ब्लड है। अगर हमारा ब्लड नहीं होगा तो भाई हम क्या जिंदा रह सकते हैं, तो ये भी नहीं जिंदा रहेगा भाई इंजन ऑयल के बिना। तो ध्यान रखें इंजन ऑयल को टाइम से चेंज करवाएं।
तो देखिए इसका जो अभी हम सेट करेंगे रॉकर को, तो इसमें 0.6 या 0.5 mm रखेंगे ताकि हीट होने पर भी साउंड ना आए। तो ये काम भाई ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा, कुछ दिन चलेगा भाई, कुछ महीने, तो उसके बाद रॉकर अपने आप साउंड करना शुरू कर देगा, वो भी जब गर्म होगा बाइक तब। तो भाई रॉकर को सेट करते हैं फटक से और आप लोगों को बाइक के जो साउंड है उस साउंड को सुनाएंगे। आप लोग खुद देखिएगा बाइक में कोई डिफरेंस आता है या नहीं, और कमेंट में भी बताइएगा भाई कि पहले जो साउंड था इसमें वो साउंड अभी भी है इसमें या नहीं। क्योंकि देखिए भाई ये साउंड को पूरा ख़त्म करवाने के लिए हमको हेड का जो वाल्व गाइड वगैरह है सब कुछ चेंज करवाना पड़ेगा, तब जाके ये प्रॉब्लम हमारा 100% सही हो जाएगा। तो रॉकर को हमने सेट कर चुके हैं, अभी रॉकर का जो हमारा हेड का जो कैप होता है उस कैप को लगाएंगे। कैप को लगाकर बाइक को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे बाइक का साउंड मस्त हो चुका है या नहीं। इसमें इंजन ऑयल डालेगा भाई नया। तो चलिए सब कुछ सेट कर चुके हैं हम, अब इग्निशन को ऑन करते हैं, ऑन करके बाइक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें जो प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम अभी भी है या नहीं है, ये सब कुछ देखेंगे भाई। देखो साउंड मस्त हो चुका है भाई, देखिए माइक में इतना पकड़ नहीं पाता भाई, तो रियल में साउंड कुछ और ही होता है। तो उम्मीद है भाई, उम्मीद है अच्छी तरीके से सुन लिया होगा आप लोगों ने। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे दूसरी किसी वीडियो लेकर आपके साथ। हड़ा हड़ महादेव।